हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे टिडीलान रिडार्ड टैबलेट के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें टिडीलान रिडार्ड टैबलेट की, तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है और उन महिलाओं में ज़्यादा यूज किया जाता है जिनको प्रीमैच्योर लेबर होता है, मतलब बच्चा पैदा होने का जो टाइम है वो टाइम से पहले ही बच्चा पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसमें इस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में टिडीलान रिडार्ड टैबलेट के बारे में, इसके फायदे, डोज कैसे लेना है, क्या कंपोजिशन डाला गया है, कितने रुपए का आएगा, सेफ है कि नहीं है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, अगर बात करें टिडीलान रिडार्ड टैबलेट की, तो इसको जगत फार्मा कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाता है। ये एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है, 10 गोली आती है, जिसकी प्राइस 110 रुपया है। बहुत ही फेमस है, आपको आपके नज़दीकी मेडिकल पर मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन, बहुत सारे मेडिसिन के ऐप्स हैं, वहां से आप मंगा सकते हैं। अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें डाला गया है आइसोक्स सुप्रीम। जो आइसोक्स सुप्रीम है वो 40 mg है, और ये जो आइसोक्स सुप्रीम है एक वास्ट्रोडाइलेटर का काम करता है, उसके अलावा यूटरिन रिलैक्स का काम करता है, ये यूट्रिन को रिलैक्स कर देता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो देखो, इसका जो यूज है, ये जिन महिलाओं को जो बच्चे पैदा होने का समय 9 मंथ है, उससे पहले होने की संभावना लगती है या उसमें जो सिम्टम दिखते हैं, उस केस में इस टैबलेट का यूज किया जाता है, जिसको प्रीमैच्योर लेबर बोलते हैं। एक यूज ये है, ये महिलाओं में इस टैबलेट का यूज इस कंडीशन में किया जाता है। उसके अलावा ये वास्ट्रोडाइलेटर का काम करता है, तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जो होते हैं उन सब में इसका यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, तो ये क्या करता है, वेन को डायलेट करता है, नैरो कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का मात्रा ज्यादा रहे और अच्छे से ब्लड फ्लो हो। तो जितने भी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है, उन सब में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, नौसिया, ओमेटिंग, डायरिया हो सकती है आपको, और पालपिटेशन हो सकता है। अब बात करते हैं डोज के बारे में। तो इसका मोस्टली जो डोज है, दिन में एक बार ही दिया जाता है, वो भी रात के टाइम पे। बहुत ज़्यादा केसेस में रात में सिर्फ एक बार ही दिया जाता है, खाना खाने के बाद। और इसका जो ड्यूरेशन है, जो कोर्स चलाया जाता है, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, ऐसा कोर्स रहता है, आपको लंबे लंबे समय तक कोर्स रहता है। तो अगर जिन महिलाओं प्रेग्नेंट है, बच्चा होने की संभावना पहले ही है, तो उनको 1-1.5 महीना ही चला जाता है। अब बाकी लोगों को भी इसी तरह से चलाया जाता है, क्योंकि ये वसल को डायलेट कर देता है। दोस्तों, अगर बात करें इसके सेफ्टी की, तो ये बच्चों में नहीं दिया जाता है, ये एडल्ट के लिए है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए सेफ है ये, क्योंकि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको ही दूर करने के लिए यूज किया जाता है, तो सेफ है। लेकिन इस टैबलेट का यूज आप अपने से बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप इस टैबलेट को लें, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या डॉक्टर के कहने पर ही लें। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी टिडीलान रिडार्ड टैबलेट की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।